आप सबके माध्यम से जितने भी लोग आपको देखते हैं सुनते हैं उन सभी को सबसे पहले तो मैं आज देव उठनी ग्यारस की शुभकामनाएं देता हूं, देव प्रभु उठनी ग्यारस की शुभकामनाएं देता हूं और ये मंगल कामना करता हूं ईश्वर से कि सभी का कल्याण हो। माता पिता गौधाम, ये नाम ही अपने आप में बड़ा कमाल का है। गाय को भी हमारे यहाँ गौ माता कहा जाता है। भगवान कृष्ण का गौ प्रेम तो जगत प्रसिद्ध है। शायद ही कोई ऐसी तस्वीर होगी जिसमें कन्हैया जो हैं वो गाय के बिना दिखते हों। ठीक, तो उन्होंने भी गाय को माँ का दर्जा दिया। हम सब के लिए गाय माँ समान है, माता ही है हमारी। तो माता पिता तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप होते हैं। रामायण काल से आदिकाल से हमारी सनातनी परंपरा में है। देखिए रामायण में भी कहा है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाहवई माथा। तो माता पिता को तो वो स्थान दिया गया है। ये कल्पना करना कि माता पिता का एक मंदिर हो जहाँ लोग माता पिता का पूजन करें, ये अपने आप में बड़ी विलक्षण सोच है जो मुझे लगता है एक वालिया जी जैसे एक ऐसे पुरुष जिनके भीतर संत हृदय है, जिनकी सोच इतनी अच्छी है, ऐसे ही किसी व्यक्ति के भीतर ये संकल्प आ सकता था। और ये संकल्प उन्होंने संकल्प को बोया, गुना, रोपा और आज देखिए बीज डाल दिया। तो निश्चय ही ये एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में आज का युवा मुझे ज़्यादा धार्मिक समझ में आता है। इसलिए धार्मिक समझ में आता है क्योंकि वो लगातार संघर्षरत रहता है। ठीक है, ये अवश्य है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाव की स्थिति हो जाती है, लेकिन उसमें पूरा दोष हम सिर्फ युवाओं को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि संस्कार जो हैं वो घर से आते हैं और घर का वातावरण सबसे पहले शुद्ध करना चाहिए। अगर आप अपने घर को ये मान करके चलें कि अगर आपने अपने घर में राम बनाना है तो उस तरह के संस्कार आपको देने होंगे। ठीक है, तो अगर आपने अपने घर में राम बना लिया तो फिर आपको रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी रामायण लोग देखा करेंगे। ठीक है, और उससे जैसे वहाँ बहन जी भी कह रही थी कि भाई चित्र ना देखो, चरित्र का अनुसरण ज़रूर करो। तो मैं युवाओं को विशेष रूप से बस यही कहना चाहूँगा कि भैया खूब मेहनत करें, खूब जी जान लगा करके मेहनत करें और शेष जो समय बचे उसमें गौ माता की और माता पिता की सेवा करें। बस भैया अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, खूब अच्छे लोगों की संगत में रहो और खूब सुंदर जीवन जियो। एक ज़िंदगी मिलती है, इसको भरपूर जियो, खुल के जियो, लेकिन गलत ढंग से ना जियो। ठीक है, अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ और खूब आनंद में रहो। देखिए मैं ये मानता हूँ कि हम सब जो है ना उस सच्चिदानंद, उसको सच्चिदानंद बोलते हैं ना, तो जो सच्चित आनंद है, जो हर वक्त आनंद में रहता है, तो हम उसका अंश हैं। तो हम उसको कुछ दे तो नहीं सकते हैं, तो हम बदले में उसको क्या दे सकते हैं? हम उसका अंश हैं, तो अगर हम आनंदित रहेंगे तो वो आनंदित रहेगा। तो इसलिए हमेशा आनंद में रहिए, बस यही संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, जो तू चाहता है मैं वो चाहता हूँ। न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, जो तू चाहता है मैं वो चाहता हूँ। और तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है और तेरी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। क्या बात है। मेरे प्यारे राम को रीज भजो या खीज, और खेत पड़े जमजात है उल्टो सीधो बीज। पर वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों ना कितनी ही कठिन हो, क्यों ना कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। कि किसमें जरूरत जो मेरे परवाज में कोताही करे। परवाज कहते हैं ऊंची उड़ान को, हाई फ्लाइंग। तो किसमें हिम्मत है जो उसे रोक दे, क्योंकि रोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो किसमें जरूरत जो मेरे परवाज में कोताही करे। मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूं। तो आपके हौसलों की उड़ान लगातार नई ऊंचाइयों को छूती रहे, नई बुलंदियों को प्राप्त करते रहे, आप सफलता के नए आयाम को छूते रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ।